ईगो फीलिंग हर एक जने को भी मैपन मैं बड़ा तू कितना बोल तेरी ताकत कितना तेरा मकान कितना मैं सबसे बड़ा है नहीं ये लोगों में इन तमाम को मिटाओ। अरे अपने आप को बड़ा कहने वाले कल तू मर जाएगा तो मजबूर होकर तेरा हाथ भी हलता नहीं तेरा पैर भी हलता नहीं कफन पहनने के लायक आता नहीं कौन की पिनाता तुझे मैं किसके नया इटले को गया कि उन्होंने तुझे उठा ले को जाना मैं ये लफ्ज मैं सिवाय अल्लाह के किसी को सांसता नहीं मेरे आका है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके और हमारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन मुझे कब्र से उठाया सबसे पहले उठाया जाएगा वला फकर मुझे इस बात का फखर नहीं मेरे काली काली जुल्फों में हल्की सी धूल के तिनके लगेंगे जिब्राइल आकर मेरी धूल साफ करेंगे मुझे इस बात का फखर नहीं कयामत में सबसे पहले मैं शफाअत कराऊंगा लोगों की बख्शिश कराऊंगा लेकिन मुझे इस बात की फखर नहीं मेरी शफाअत सबसे पहले कबूल होगी मुझे इस बात का फखर नहीं मैं इमामुल अंबिया हूँ मुझे इस बात का फखर नहीं नबीउल आखिर जमा हूँ लेकिन इस बात का मुझे फखर नहीं जमीन मेरे लिए बनाई गई मुझे इस बात का फखर नहीं मैं अल्लाह का महबूब हूँ मुझे इस बात का फखर नहीं मेरे नबी हर लफ्ज में ये कह रहे हैं कि मुझे मैं ऐसा हूँ मुझे इस बात का फखर नहीं मैं वैसा हूँ मुझे इस बात का फखर नहीं बताना मुराद क्या अरे जब मैं नबी हूँ जिसके ठोकरों में अल्लाह ने कौनैन की दौलत अता की है अल्लाह ताला फरमाता है अरे नबी आप हुक्म फरमा दे तो मैं सारे मक्के की पथरीली जमीन को सुन्ना बना दूंगा सोना बना दूंगा वो नबी जिसके ठोकरों में कौनैन के खजानों है वो नबी जिसके हाथ में जन्नत की चाबियां है वो नबी रहमत वाले आका वो नबी बरकत वाले आका वो नबी कमली वाले आका वो नबी जिसका खड़े होना अल्लाह फरमाता है नबी ज्यादा वक्त मत खड़े तेरे पैरों में तकलीफ होगी वो नबी जिसे अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा ऐ नूरानी चेहरे वाले तेरे चेहरे की कसम वल्लैली ज़ुल्फे वाले तेरे ज़ुल्फों की कसम وانت حل بحال بلد اے نبی آپ جس شہر میں ہیں مجھے اس شہر کی قسم ہے آپ جس زمین پر ہیں مجھے اس زمین کی قسم ہے طاہر طیب طاہر جس کا نام ہے مزمل جس کا نام ہے مزمل مصطفیٰ کے جسم سے جب کملی کپڑا لگ جائے اللہ بھی اسے قرآن میں ذکر فرما دیتا ہے اتنے عزت والے اتنے مقام والے اتنے مرتبے والے نبی آدم سے لیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام جس کے پیچھے نماز پڑھے مصلی بن کر اور سارے نبیوں کا جو امام بن کر نماز پڑھایا وہ ہمارا نبی ہے سارے فیسلٹیز یہ سارے مقام یہ رتبے رہنے کے باوجود میرے آقا فرمانے مجھے اس بات کا فخر نہیں ہے تجھے کیا بھی نہیں جنے تیرے پیچھے ہے بولے تو آئی کو پھرتا گالرا اٹھالے کو پھرتا استینے چڑھالے کو پھرتا کیا کتا رہے تو دیکھ لیں گے بولتا ارے تیری اوقات کیا ہے یہ سب اشارہ کرے خالی انگلی سی چاند دو ٹکڑے ہو گیا اشارہ کرے انگلی سی ڈبگا سے سورج نکلیا ارے جس کی طاقت آسمانوں پر جس کی طاقت زمینوں پر جس کی طاقت کونین پر خدا کے بعد دنیا پر جو راج کرتا ہے وہ ہمارا نبی ہے یہ سب کچھ رہنے کے بعد بھی ہمارا نبی کیا کہتا ہے ولا فخر مجھے اس بات کا فخر نہیں ہے ہمارے پاس کیا بھی نہیں تو میں بڑا میں ایسا میرا مقام اتنا بڑا میں اتنے مرتبے والا میں اتنا مقام والا کیا مرتبے والا مر گیا تو تیرا جنازہ اٹھانے چار جنے آنا کفن پہن سکتا نہیں تو پانی نہا سکتا نہیں غسل دینے کے واسطے پانچ جنے ہنا بچے تیرے پاس آ کے غسل دینے کے واسطے ریڈی ہوتے ہیں باپ پانچ سو روپے ہزار روپے زیادہ دیتی ہمیں تمہیں اس پانی نہلا دو ہمارے باپ کو ہمیں نہلاتے نہیں بولتے ایسی اولاد کے واسطے کتنے جنا سے نفرت مول لیا کتنے جنا کی بدوائیں لیا کتنے جنا کا دل توڑیا کتنے جنا کی نفرت لیا اس کے واسطے ایسے بچوں کے واسطے ایسے بیوی کے واسطے ایسی دنیا کے واسطے مر گئے واسا تمہیں دیکھے کہ نہیں کہ حضرت ہمارے پہنتے سو کپڑے ہم کو جوبا ہے خبر میں لگ جاتے سو کپڑے کافن اسے جوبا نہیں دیکھیں کون تو بولی کہ صاحب ہمارے کفن کو جوبا ہاتی کیا کرتا وہ رکھ لے لو کفن کو جوبا ہاتے نہیں یہ سب سے بڑی کھلی مثال کیا بھی لجا سکتا نہیں جوب اس میں ہتا جس میں رکھ لے خمر میں کیا بھی رکھ لے جاتا نہیں تو
क्या अभी कफन ही जानेगा तेरे साथ, कफन के साथ साथ क्या है अच्छे अमाल बुरे अमाल, ये दो चीजें तेरे साथ रहती। एक रुपया भी लग जाता नहीं, क्या करने भाई इतने बिल्डिंग इतने पैसे हराम में हराम कमा को क्या कर ले, किसके वास्ते रखो भाई? तुम्हें मर गए तो तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाना आता नहीं तुम्हारे बेटे को, तुम्हें मर गए तो तुम्हारे फातिया दिलाना आता नहीं तुम्हारे बच्चे को, वो बच्चे वास्ते उन्हों क्या करता, तुम्हें कोसी बीज बोएंगी वो झाड़ का फल खाता, तुम्हें कैसा सिखाएंगी वैसा सीखता, मर गए वासा चीखा मार दे रहे मेरे वास्ते खुल कर सूरा पढ़ रहे, ये कलहम का सूरा पढ़ रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या लोगो, जब मेरी उम्मत जाती है कब्र में तो गुनाहों के साथ जाती, जब कब्र में से खयामत में उठाई जाएगी पाक और साफ उठाई जाएगी, मतलब क्या कब्र में गुनाहों के साथ जाते हैं खयामत में उठे बहुत गुनाह क्या भी है, मतलब क्या उन लोगों को ईसा अलैहि सवाब के जरिए मगफिरत की दुआओं के जरिए फातिया के जरिए, जो लोग फातिया में कसरत से फातिया दिलाते रहते हैं ईसा अलैहि सवाब बख्शते रहते हैं, अल्लाह इसकी बरकत से वो खबर वाले का अजाब दूर फरमाता, उसके गुनाह दूर फरमाता, उसकी खताएं दूर फरमाता, समझ में आया? अब हमारे पास क्या है, रे आलम का सूरा पढ़ रहे बड़े, पढ़ना आता नहीं धन्य तू पढ़ू बोलता धन्य तू पढ़ रहे, मुझे कहा था मुझे कहा अटक अटक आता दो तीन आयता आई तो अल्लाह का पेशमाम को ले लगा पढ़ा रे बाप, ऐसे बच्चा के वास्ते हमें लोगों का पेट मार रही धोखा दे रही सब ऐसे ऐसे हालत कर रहे। मोहम्मद सामान इकराम तुम्हारे साथ दुनिया में तुम्हें अम्मा के पेट से इक्की छह सौ खबर में भी अकेले जाना सो, फर्क इतना है माँ की पेट से आए खुद मुठ्ठियां बंद कर ले को आती, माँ के खबर के पेट में जाते खुद मुठ्ठियां छोड़ को जाती, देखेंगे नहीं कि तुम्हें मुर्दे के हाथ खुले है थी है नहीं बेशक, थोड़े जना के मुर्दे लग है थी बीमारी की वजह से, अब वो भी पूछना हो तुम्हें थोड़े जना के है, मतलब हाथ मुट्ठी बांध कर आया और हाथ पसार कर चला जाता, क्या मतलब दुनिया को बताता जाता है इतने जना को धोखा दिया, इतने जना का खून निछड़ा, इतने पैसे कमाया, इतनी दौलत कमाया, सब कुछ कराया, लेकिन देख ले बा हाथा में खाली है मेरे। सिकंदर बोल को एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे वक्त के, उन्होंने वसीयत करे लोगों को मैं जब मर जा तो मेरे कफन के बाहर दो हाथों रखो जाओ, हफ्ते अफीम बादशाह पूरी दुनिया पर राज करे, पूरे दुनिया पर राज करे, और जब राज करे सामने आते वक्त लोगों को बोले मेरा कफन निकालो, कफन के बाहर हाथ निकालो और पूरी जगह पर गश कराओ, उसके बाद लग जाओ दफनाओ, वजह क्या पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में, पूरी दुनिया का बादशाह मैं, मेरे फौज कहीं बस जाए वो शहर हो जाए, उत्ती मिलती उसकी सिकंदर की, लेकिन क्या हुआ बाहर चढ़ो क्यों दुनिया को बताना चाहता, और मैं राज करा ये एक रुपया भी लग जाता नहीं, देखो मेरा हाथा खाली है, कितने की जनाजे तुम्हें भी देखी हमें भी देखी, कितने की जनाजे तुम्हें पढ़ी हमें पढ़ी, कितने की जना खबर हमें तुम्हें उतारी हमें उतारी, समझे ना की हालत क्या हुई लास्ट में, आइटले को फिरता सवाल आइटले को गया, मैं भी बोलता सवाल मैं नहीं सका गया कबर में उतर को चल गया, जब कबर में उतर गया क्या अभी हालत होती नहीं हजरत उसकी, इसलिए याद रखो आज अल्लाह हमको वक्त दिया ईदा ये रमजाना ये हमें बैठना मैं बोलना तुम्हें सुनना क्या वास्ते, कम से कम हमारे अंदर जरा तो सुधार आना, थोड़ा तो अच्छा काम करेंगे अल्लाह तबार ताला रहमान और रहीम है, मरने के बाद वहां फेस करना, मरने के बाद वहां फेस करना, हमें अल्लाह को सूरत दिखाना, हमें हमारे एक जना इलेक्शन में ठहरा कराया, मिसाल देने वास्ते समझा रहा हूँ हजरत पर्सनल लेना को, अब दुनिया वो मिसाल आखिरत दुनिया की बात आखिरत पर मिसाल दे सकते, एक जना एक जने को इलेक्शन में ठहरा कराया, एक पार्टी वाला उन्होंने पोटी कराया गाँव में, सामने वाला अपोजिट वाला जीत गया फुल मेजोरिटी से, इन्हें जीत सका नहीं, अब इन्हें मूल को से मुँह ले जाकर उसे दिखा था ठहरा करे सवाल, तो मेरे तरफ से प्रतिनिधि रह बा मत ये ठहरा करो तू हार गया, अब इन्हें बोझता नहीं पूछता कैसा हारा बोल भाई आप सबको मालूम ना भाई, ये 80-70 से पहले किसी भी पॉलिटिकल नहीं मालूम था, बाद में सबको मालूम हो गया, मालूम नहीं मालूम, अब जिस पार्टी की तरफ से ठहरा था हार गया तो फिर वो पार्टी के लीडर के पास जा सकता नहीं, किस मुंह से जाता बोल को
शर्मिंदा की हती नहीं हती, अब शर्म छोड़ दो कैसे वाले बोल सकता है, हती नहीं हती हती है। कई को मैं तुझे ठहरा करा तो तू जीता नहीं बोलकर, कल के दिन चार पैसे ज्यादा दिए तो फिर उन देता सीट तुम्हारे, सीट देता नहीं तो बोला सवाला एक चार पैसे ज्यादा उसे पार्टी फंड दिया तो फिर तुम्हारे सीट देता। ये इनकी हालत, लेकिन हकीकी मालिक दुनिया पर राज करने वाला तुम्हारे और हमारे जिंदगियों का मालिक, हमें मारने और जिनाने पर कुदरत रखने वाला, हमें इज्जत देने वाला, हमें इज्जत देने वाला अल्लाह हमें दुनिया में भेजा है। भेज के बोला दुनिया में जीत को आ रहेगा, ईमानदारी से जीत, झूठ से बच, सच्चाई से जीत, धोखेबाजी से बच, हरामकारी से बच, गुनाहों से नेकियों नेकियों को गालिब ला, गुनाहों से जंग लड़को जीत, लोगों के जुल्मों से जीत, और लोगों के ऊपर मुसीबतें जो टूट रही है वो मुसीबतों से लड़कर जीत। हौसला अफजाई कर कर फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिब या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ईमान माया युस्सिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति' अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ा अज़ीमा। जाओ और सीधा रास्ता चलना, हिदायत वाला रास्ता चलना, अल्लाह रसूल की इताअत करना। अल्लाह दुनिया में भेज को बोला जीत को आ, ये इलेक्शन में कैंसिल इसने होना, इलेक्शन में फाइल इसने होना, सामने वाला कितना भी फुल मेजोरिटी पे हंदे शैतान, शैतान कितनी भी मेजोरिटी पे हंदे डरना नहीं, तेरा हाई कमांड पीछे बहुत पावरफुल है, तेरा हाई कमांड बहुत पावरफुल। हमारा हाई कमांड कौन? मदीने वाला आका है, सुभान अल्लाह। हमारा हाई कमांड कौन? बगदाद वाला होसे पाक है, सुभान अल्लाह। तू ठहर, हमें तेरे पीछे है, सपोर्ट करते, तू लड़ते जा, हमें पीछे से है, डरना को। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, हाथ उठा डाल को, सामने कौन पार्टी वाला है कि हमें कौन सी पार्टी से ठहरेंगे, वो पार्टी को छोड़ को सामने अपोजिट में आया है तो उससे हाथा मिला ले, सर तेरी पार्टी का भी मंच प्रचार हम करते बोलते हैं। यह हालत है हमारी। तो माज़ा इकराम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ईद उल फितर की बरकत और हम सबको गुनाह कबीरा व सगीरा से माफ फरमाए। ऐ बंदा हकीकी और परवर, हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जितने भाई आए हैं वाला सब की नमाजों को कबूल फरमाए। आमीन।